हेलो एवरीवन, मैं अजित कुमार पारी एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ हॉलीडे प्लान के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। तो जैसा कि इस चैनल पे हम रेगुलर बेसिस पे जो ट्रैवल अपडेट्स रहती है या जो भी ट्रैवल के रिलेटेड जो भी अपडेट्स या जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम इस चैनल पे वीडियो के द्वारा हम आपको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो जैसा कि आज की जो हमारी जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है वो थाईलैंड के बारे में है, तो आज हम थाईलैंड के बारे में बात करने वाले हैं। और जो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो यूएसए के ऊपर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये हमारा जो चैनल है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर ले, जिससे कि मैं जो लेटेस्ट ट्रैवल रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी या जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको इजीली मिल पाए। जो ये वीडियो है पूरा की पूरा थाईलैंड के ऊपर होने वाला है कि आप अगर थाईलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं और इसका वीजा का जो प्रोसेस है वो कैसे रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो थाईलैंड है, थाईलैंड ने वीजा ऑन अराइवल स्टार्ट कर दिया है और अगर आप यहाँ से वीजा लेना चाहते हैं तो आप वीजा लेके भी आप थाईलैंड के लिए आप ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप वीजा ऑन अराइवल आप लेना चाहते हैं तो आपको किन किन टर्म्स एंड कंडीशन का फॉलो करना रहेगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। और अगर आप थाईलैंड अगर वीजा लेके जा रहे हैं तो आपको कैसे वीजा लेना होगा उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं थाईलैंड का जो वीजा ऑन अराइवल है उसके लिए हमें किन किन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें थाईलैंड जाना रहेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले थाईलैंड ने बोला है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और वैक्सीन लगे हुए आपको 14 दिन कम्प्लीट हो गए हैं तो उसके बाद में आप ट्रेवल कर सकते हैं। और आपको RT-PCR करवाना रहेगा जो कि आपका 72 आवर्स, जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उससे 72 आवर के अंदर अंदर आपका RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो आनी चाहिए। मतलब कि आपने जो टेस्ट करवाया है वो 72 आवर के अंदर अंदर करवाया है और उसी के अंदर ही आपकी जो रिपोर्ट है वो आनी चाहिए। उसके अलावा जब आप थाईलैंड पहुंचते हैं तो उस वक्त भी आपका टेस्ट रहेगा जो कि अप्रोक्स 2000 से 2500 थाई बाद INR के अंदर हो जाता है, अप्रोक्स 4500 से 5000 रुपए के बीच में। और जब आप थाईलैंड वीजा ऑन अराइवल ले रहे हैं तो उससे पहले इंडिया से ही आपको थाईलैंड का जो ई पास है वो आपको जनरेट करके ऑनलाइन जनरेट होगा और वो जनरेट करके उसके बाद में ही आपको ट्रेवल करना रहेगा, तभी आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। इसके अलावा जब आप थाईलैंड जा रहे हैं वीजा ऑन अराइवल तो आपको 1 नाइट का स्टे आपको जो थाईलैंड की जो होटल है जो गवर्नमेंट से अप्रूव हो रखी है उसके अंदर आपको 1 नाइट आपको क्वारंटीन रहना होगा। जब तक कि आपकी जो जैसे कि थाईलैंड आप पहुंचे और आपने जो रिपोर्ट कराई वो जब तक नेगेटिव नहीं आ जाती, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको उसी होटल में स्टे करना रहेगा। वो आपको एयरपोर्ट से डायरेक्ट आपको उसी होटल में जाना रहेगा जो आपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तब आपको इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी कि आप फर्स्ट नाइट आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो भी होटल रहेगी उसके अंदर ही आपको जाना रहेगा। और उस होटल का भी जो एक्सपेंसेस है वो अप्रोक्स 3500 से 4000 रुपए के बीच में होने वाला है आपका। उसके बाद में 1 नाइट स्टे करने के बाद में आपकी जैसे रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद में आप फ्री आप कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं थाईलैंड के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि थाईलैंड का जो स्टिकर वीजा है वो कैसे मिलेगा। थाईलैंड का स्टिकर वीजा है वो आप इंडिया से ही आपको अप्लाई करना रहेगा जो कि VFS और BLS दोनों जगह अप्लाई होगा, तो आप कहीं से भी अप्लाई करके आप वीजा ले सकते हैं। और इसका जो थाईलैंड वीजा के जो चेकलिस्ट है वो मैंने पहले बना रखी है, आप उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जब आप थाईलैंड में आप रहते हैं उसके बाद में जब आप घूम लेते हैं और वापस आप रिटर्न कर रहे हैं तब भी आपको RT-PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आपको लेके आनी रहेगी जब आप रिटर्न कर रहे हैं तब, जो कि 72 आवर पहले की होनी चाहिए। टोटल आपको जो रिपोर्ट होगी टोटल आपकी 3 रिपोर्ट होगी थाईलैंड अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थाईलैंड अभी जा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़े टाइम बाद जैसे कि दिसंबर या जनवरी में आप ट्रेवल कीजिए तो थोड़ा सा जो एक्सपेंसेस है आपका कम रहेगा। इस बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो हमारी जो बैकएंड टीम है वो आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेगी। थैंक यू, बाय बाय।